राम राम सा। आपको मरुधरा कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। आज आपा बात करस्या राजस्थानी संस्कृति और राम। राम और वसुदेव संस्कृति एक दूसरा हूँ जुड़िया थका है या एक दूसरा का पर्याय है। वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरो विश्व मारो परिवार है, जिमें धरती आकाश नदी नाला जीव जिनावर मिनख सगला शामिल है। और आप अपनी संस्कृति की बात करा तो वेदा की संस्कृति अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतमय में और धर्म और संस्कृति यूं जुड़ा थका है। और धर्म की बात करा तो एक पूठरो सो चित्राम आपने सामने आवे है, वो है राम को, राम दरबार को जो चित्र है वो सामने आवे और राम की कहानी आवे। जीव ने आपा आदर्श हूँ आदर्श की नजरों देखा और बी के हिसाब हूँ आपा जीवन जीवा तो आपा आपनों जो जीवन है बहुत ही सुखद तरीका से जी सका हाँ। और राम भगवान को नहीं, राम मिनक है, राम एक विचार है, राम एक भाव है जी पर ही आज आपा बात कर सिया। और राम पर जी को भरोसो है वो ही आगे आपकी जो नैया है बी की बा पार हुए है कि जी जहाँ पर रही राम की कृपा, जहाँ पर कृपा करे राम की वहाँ पर सब भगवान सब की कृपा हुए है। और इन वास्ते आज आपा अठे भेड़ा हुआ हाँ। और आज हमारे साथ में है अंशु जी शर्मा, आप बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है, आऊँ आप बातें कर सें। और दूसरा आपने अठी ने संतोष जी निरूपमा जी और गायत्री जी है जका राम जी हूँ जुड़िया आपने भजन सुनासी। तो आज आपा राम में हुबा ने अठे भेड़ा हुआ हाँ। तो सब पहली मैं स्वागत करूं और आप बात शुरू करूं अंशु जी कि जियान आपा वसुदेव कुटुंबकम की बात करा हाँ, राम जी की बात करा हाँ और इकी जो छवि है या इकी जो की जो भाव है अपना परिवार पर भी दिख है तो ई बाबत आप रू कहीं कहना है। माँ के भारतीय संस्कृति में वसुंध कुटुंब का जो चाल रहे है जो माँ का संयुक्त परिवार की जो प्रथा चाल रही है वो अपनी संस्कृति में राम जी के द्वारा ही चरितार्थ होती दिखे है। माँ का जो समाज में जो टावर है वो है वो संयुक्त परिवार में रहे है और वह कहवे है कि जो संयुक्त परिवार में जो टावर जन्मे है और वो पलो बड़ो है वो उन हिसाब से ही अपनो चरितार्थ होवे है कि की तरह उन्हें जन्म लेवा से लेर और बड़ा होबा तक जो संस्कार मिले है वो सब आपका वसुंधरा कुटुंब के हिसाब से ही मिले हैं। आप सब संस्कृति ने जोड़ रखा जन संस्कृति में वाने संस्कार देवा हाँ। और परिवार में वाने ऊपर से जो आदे बड़ा बुजुर्ग का आदेश मिले हैं बाकी वो पालना कहीं करे है ये सब माँ का परिवार और संस्कृति की देन है। माँ का राम जी एक संयुक्त परिवार में रहा हा तो राम जी माने कह राम जी जो अपना बड़ा के आज्ञा को पालन करा हा वही ही मैं माँ का बच्चा ने संस्कार देवा हा कि कहीं बड़ा की आज्ञा को पालन करा हा। बड़ा माँ ने बतावे है कि कहीं अच्छो है कहीं बुरो है माँ के जीवन में कहीं माने अपनानो है और कहीं ना अपनानो है तो ये राम जी की ही देन है। माँ का जो भी संयुक्त परिवार प्रणाली है वो माँ की राम जी की ही देन। जीवन शैली की बात कर रहा हो तो मन हमारा बुआ से की बात याद आवे कि वह सुबह सुबह उठे जन वह बात करे ये धरती माता तू बड़ी तुझसे बड़ो न कोई तुझ पे पग धरता ही आनंद मंगल होय धरती माता बड़ा को मेड़ो करजे और बुरी गार को टाड़ो करजे धरती माता धरती पिता धरती मेटे सबकी चिंता मतलब यूं वह शुरुआत करे है हाँ, तो सुबह आपा उठा तो धरती माँ ने प्रणाम कर उठा हाँ माने हाथ जोड़ उठ रहा कि हे धरती माँ मिथमि था के ऊपर पग रख रहा है जी के था के ऊपर भार दे रहा है उनके लिए माँ ने क्षमा कर जी। तो माँ की सुबह धरती माता के प्रणाम से हो गए और रात ने माँ का बड़ा बुजुर्ग माँ का उठता ही माँ का माता पिता ने मैं वंदन करा बिल्कुल उनके बाद मैं भगवान को नहा दो और भगवान ने स्मरण करा तो भी राम को नाम लेवा हाँ और घर से निकला जब माँ का घर से निकल कोई दफ्तर जावे कोई ऑफिस जावे कोई कोड़े जावे तो भी मैं भगवान ने राम ने भगवान का आगे हाथ जोड़ जावा कि ये भगवान मैं घर से बाहर जा रहा माँ की रक्षा कर जी तो इन लिए और फिर रात ने घर आर वापस भगवान रो धन्यवाद देवा कि हे भगवान ते मैंने सहकुशल घर वापस ले आया उनके लिए भी थाने धन्यवाद हो गए। और रात ने सोवा तो माँ का घर में बड़ा बुजुर्ग हुआ माने सबने हाथ जोड़ प्रणाम कर और भगवान को बिस्तरा पे जाबा से पहले भी भगवान ने हाथ जोड़ माने प्रणाम कर सी और फिर मैं बिस्तरा में सोबा जासी बिल्कुल सही
ए बात हम भी एक मैं ताने गांव की भी बात बता दूं जब खड़ा काटी जे खास तौर रास लाटी जे जद जो पहलो धड़ो है ताकड़ीन तोले ने जो पहलो धड़ो है के ओ राम जी को मतलब एक धड़ो राम जी को और बाणिया भी पहली बार बैठे है आपके दुकान पर बैठे है तो वो पहलो धड़ो ओ राम जी को मतलब अतो महत्व है आपने की जो खास मोटी मोटी बातें हैं बा में भी राम जी को नाम आवे मैं मका बच्चा ने संस्कार देवा कि जिया मैं भोजन करा तो पहली भगवान को शुक्रिया अदा करा और वाने अर्पण करा लुगाया पहली चूड़ो जलावे तो वो चाय को जो भी चाय बनावे कि रोटी बनावे तो वो पहली थोड़ो सा टुकड़ो तोड़ और वाने अग्नि देव के समर्पित करे कि भाई भगवान ये पहली थाने मैं खावा जो थे खाओ थाने समर्पित छे और उनके बाद मैं माँ का घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग हो वाने घाल्या बच्चा हो वाने घाल्या तो मैं माँ का बच्चा ने भी यही संस्कार देवा कि मैं भगवान थे भोजन करवा से पहली थे हाथ जोड़ो ई प्रभु को धन्यवाद करो कि भाई थे माने जो माने दियो वो था का अर्पण छे और जो दियो वो आया ही देता रीजो बिल्कुल साहे जी आप संस्कारा की बात कर रहे हैं जीवन शैली की बात कर रहे हैं तो टावर जल में जद बीका मुंडा में राम लिखी जाए और बीका जो पूरा जो 16 संस्कार है भी में भी राम को नाम जगह जगह आवे और अंत तो राम नाम है ही तो इमें बीच में अपना आवे ज्ञान गीत है ज्ञान ब्याह वालों संस्कार है या जच्चा गाई जे है ना बामे है या गाड़िया गाई जे जवाई भाई या नहर ने सगा प्रसंग या ने तो भी में भी ऐ चीजा आवे आवे जय थे बोलिया कि राम को जया बच्चों पैदा हुए तो वने राम मुंह पे टाबर को लिखे जाओ हाँ, राम आप शहद से बड़ा बुजुर्ग अपना घर का वो लिखे है ऊपर राम है ना और पड़वाने पड़वान जावे पड़वाने जावे तो भी पहली राम ही लिखावे ओम ही लिखावे या आपने एक जीवन शैली को एक सोच है फिर आपा जद बच्चों बड़ो होवे तो उनको जद ब्याह सगाई होवे तो भी आपा पहली गणेश जी नोता उमे भी पहली राम को नाम आवे गणेश जी को नाम आवे और आपा जो भी आपा जो बड़ा बुजुर्ग होवे बड़ी बूढ़ी लुगाया होवे आपा वो चावा का अपना जो भी बहू आवे वो भी सीता मैया की जी आवे तो वो भी राम से जुड़ी आवे आपने लक्ष्मी जी को रूप देखा हर बहू में आपा लक्ष्मी जी देखा और जवाई में आपा विष्णु जी देखा और माना भी माना भी तो इनलिए आपने जीवन शैली चाहे वो जन्म हो चाहे मरण हो और जब मरवा मरा तो भी राम नाम सत्य तो भी राम ही आवे और तीज त्योहारा की बात आवे तो तीज त्योहारा की बात आवे तो तीज त्योहारा में आप जो दिवाली मनावा वो तो राम जी की भी मनावा खूब रोशनी जगावा खूब मिठाइयां बनावा राम जी का नाम दीपक जलावा घर घर में पूरी रोशनी करा सफाई करा तो ये सब राम जी का ऊपर ही करा जुड़ी थे की भी राम जी ही है कि राम जी पाछा पधारिया अयोध्या पधारिया जन इसलिए राम जी का ही है और रामनवमी मनावा साल भर में आपा होली को त्योहार मनावा होली मनावा तो उमे होली के अंदर आपा अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की विजय को मनावा तो वो भी एक राम जी की शिक्षा ही दियोड़ी है कि आपा बुराई को अंत करें और अच्छाई पर विजय प्राप्त करें इसलिए आपा होली मनावा ऊपर रंग गुलाल लगावा सबने राम राम कर श्या और जेको दूजो दिन वे बिना आपा रामा श्यामा ही रामा श्यामा बोला कि होली की राम राम करवा जाए होली की या दिवाली की सब मिठाई पकवान बनावा के लिए कि भाई सब मिलला प्रेम से बोलला राम राम करसी कोई आपने आवे होली का दूसरा दिन भी आपने घर आवे तो आपे कहे भाई होली की राम राम करवा जा रहा है तो उमे भी राम आवे और नोरतों भी राम जी जुड़ा है और नोरता में रामनवमी पूजा और नौ दिन का हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करा रामायण का पाठ करा और फिर नवा दिन राम जी को पूजा कर अर्चना कर राम की जोत देखकर और आपा रामनवमी मनावा बिल्कुल सा जो आ, राम दशहरा मनावा रामनवमी मनावा भी जो जो अपना नोड़ता आवे इका चेताड़ा नोड़ता आवे और राम जी को जन्म वह है और जो शारदीय नवरात्र आवे तो भी राम जी बहुत जुड़ा तखा है क्योंकि आपा दशहरा वो मनावा तो दशहरा में आपा रावण को वध कर राम जी विजय प्राप्त करे था इसलिए आपा दशहरा वो मनावा तो दशहरा का त्यौहार भी आपा हाँ हाँ बिल्कुल साहब बात है कि हाँ सा अब राम जी की बात कर ही रहा तो अब संतोष जी एक पुटरो सो गीत सुना दो जब मैं दिवाली की बात करा है कि भाई अयोध्या की बात होगी जन राम जी आ जावे तो बढ़िया ही लागे सा ठीक है जी अब हाँ सा सुनाओ सा हाँ सा Oh.
बहुत बढ़िया भजन सुनायो, यहाँ लागे राम जी उतर ही आया है। तो अंशु जी जिया ने बात कर रहा है कि राम जी अयोध्या पधार गया और बांको अभिषेक भी हो गयो, राजपाट चालू हो गयो और आज भी राम राज को उदाहरण दे रही है। अपना गांधी जी भी चाहता कि राम राज हुए और राम राज की कल्पना से सुंदर कल्पना मानी जाए। तो आ राम राज वाली जो बात है आप इन्हें शिक्षाओं राजनीतियों आप क्यों जोड़ सका? शिक्षा राजनीतियों आप अँ जोड़ा कि राजनीति में अपना प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी जद संसद भवन में जावा तो वो पहली संसद भवन में पहली साष्टांग प्रणाम करा फिर वो अंदर जावा तो उसे नई पीढ़ी ने सीखवाने मिला कि मैं चाहे स्कूल जावा चाहे कॉलेज जावा या आपा कोई अपनी दुकान जावा कोई रोजगार जावा तो सबसे पहली उमा अंदर चरण रखवा से पहली उन्हें नमन करा जिसे माँ की रोजगार में बरकत होवे जी मैं सारा सगड़ा उसे घर पे चाले। तो इसलिए आपा राजनीति में भी ये सीखवाने मिला माँ का भाई नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सब आपा ने सीखवाने मिल रहे है राजनीति में अच्छा काम के लिए जो शुरुआत हुई है वो आपा ने सबने सीखवाने मिल रहे है कि आपा कई राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी चीजा ने छोड़ अपनावा और बुरी चीजा ने पाछी छोड़ा वाने जो अपना कानून धर्म जो भी आपा ने सिखावे शिक्षा में वो आपा अच्छी चीजा ने अपनावा उनकी आपा सब चीजा की ज्ञान लेवा और उन्हें अपने नई पीढ़ी ने उन्हें अपनावो चाहे कि भाई कई संस्कार बढ़िया संस्कार ने ग्रहण करा और पाछी और आजकल की पीढ़ी अच्छाई और बुराई दुनिया में सगला में अंतर कर वो बहुत अच्छी तरह जाने। बिल्कुल साहब, पहली ज्यादा समझदार उबाल आ गया टाबर आज का। आपा अगर आपा कोई चीज गलत भी अपना टाबरा ने सिखावा तो वो न सीखे वो ये कह नहीं मम्मी नहीं माता राम या गलत छे और यह चीज आपने जीवन में कोई उपलब्धता ही कोने ही चीज की तो इसलिए आजकल की पीढ़ी बहुत समझदार है कि वो काई लेनो है काई चीज को काई रिजर्व मतलब सफलता असफलता काई चीज से निश्चित हो सके। बिल्कुल साहब, आप जान बात कर रहे हो कि आप आई ने राजनीति शिक्षाओं भी जोड़ सका हाँ और आप राजनीति भाई राजनीति में साफ सुथरोपण होना चाहिए और नीति की बात होनी चाहिए। राम जी आ बात के वे कि नीति पर आपने ज्यादा जोर देनो है कि सही काई है गलत काई है आ बात होनी चाहिए। नई पीढ़ी ने जो शिक्षा पावे तो वो जावे स्कूल जावे विद्यालय जावे कॉलेज जावे ते पहली जार अपना गुरु ने वंदन करे गुरु ने वंदन करे फिर पाछा आगे अपने जो भी पढ़ाई लिखाई को कारज है वो करे। यहाँ बड़ा बुजुर्ग है भी है तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपके मने गोविंद दियो मिलाए। तो इसलिए गुरु से बड़ो तो कोई वंदन ही कोने पहली आपा गुरु का चरण स्पर्श करा फिर आपनो आगे पढ़ाई दीक्षा दीक्षा को कार्य प्रारंभ करा। ये अपनी एक बच्चा ने संस्कार शिक्षा है कि जो आपने नई पीढ़ी ने देनो है। बिल्कुल सही, आज नई पीढ़ी की बात करे और पुरानी की पीढ़ी बात करे तो मन एक यही बात याद आएगी मारा बुआ सा करया करे मैं एक दिन मान के मन मन बहुत कोजा कोजा सपना आवे जण के भाई यम बोलिया कर आड़ पताल पड़ो जंजाल आड़ पताल पड़ो जंजाल लोहा को कोट वज्र की खाई जे सपना आयो तो तने राजा रामचंद्र जी की दुहाई। मतलब इन्हें रामचंद्र जी की सौगंध देवे कि तने आनो नहीं है। तो रामचंद्र जी की बात करा या बाकी नीति की बात करा या बांका स्वभाव की बात करा बांका भावा की बात करा आप जिंदगी में उतारा तो हर चीज़ अपनी अच्छी हो सके है। जान आप राम जी की बात करा तो राम जी मिनखा नहीं नहीं जीव जिनावरा ने पूरी प्रकृति ने पूरो साथ दियो है। एक जगह साकेत में आवे भी है लक्ष्मण केवे कि जो हो आर्य जहाँ रहते हैं जो हो आर्य जहाँ रहते हैं वो राज करते हैं और उनके शासन में वनचारी स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो यान का राम तो आप भी बाबत काई कह सको हो कि वह क्या महत्व दियो सब राम जी का जीवन में आपा देखा तो राम जी का जीवन में सगड़ा यही देखता आ रहा है आपा कि राम जी ने नदी नाला सरयू के तट पर तो राम जी को वास हो नदी नाला ने वाने वो जो वहाँ का हनुमान जी छा जो सीता मैया ने वहाँ को संदेश पहुंचाया वानर रहा तो और जटायु जो राम सीता जी की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया तो आपा राम जी के जीवन में राम जी सब चीजा को चाहे वो पेड़ पौधा हो
राम जी सबने नमन कर चाला, और जो राम जी को जो जीवन छे वो सभी वानर हो चाहे जीव जंतु हो चाहे नदी नाला हो सबसे पशु पक्षी हो सबसे वहां को जीवन जुड़ोड़ है। तो इसलिए राम जी तो कण कण में विराजमान है। देखो राम जब घरों निकलिया तो वलकल वस्त्र हा बांके पगामा भी त्राण को नहीं हा और न बांकन कोई अस्त्र शस्त्र हा। सारा वह जंगल में जो जंगल की जो यात्रा है 12 साल तो पूरा वह जंगल में रिया है, जंगल वासियों के साथ रिया है, और बाद में वह जो सेना बनाई है वानर सेना है, वानर सेना जो पतो लगायो है सीता माई को वह पहली तो गिदराज बताया और बाद में हनुमान जी बैठे गया और बाद में वो जो लंका पर चढ़ाई वास्ते जो पुल बनायो है वो भी वानरी बनायो भी भालू भी हा भी और वो भी कितना मतलब हाथ जोड़ कि मने मारी सीता से मिलन जानो है भगवान, उस समिंदर का हाथ जोड़े हुए कि भाई ते रामेश्वरम जो आपनो है वहां का हाथ जोड़ वहां का नमन कराया और बोले मने रस्तो दो। तो वो जो वहां को प्रभाव जल की पूजा करी है, जल की पूजा करी और वहां को जो जल को प्रभाव छो वो उसे कम हुए जब वे पूजा करी और फिर वे वानर ऊपर पुल बांधया तो वो सीता ने लेबा के ताई रावण से युद्ध करवा की ताई लंका में जा सके। बिल्कुल सर। तो जियन वे आपने प्रकृति प्रेम करे जीव जिनावर मतलब जो पंछी है चाहे से चाहे भालू है वानर है वहां का जीवन में बहुत महत्व रख है। और जब वानर की बात आई है तो हनुमान जी की बात क्या रह सके है, और हनुमान के बिना तो राम जी का कोई काम पूरा हुआ ही को नहीं। तो राम जी अधूरा है, हनुमान जी अधूरा है, एक दूसरा का वह पूरक है कि राम खुद कहे कि मारो कोई काम हनुमान के बगैर पूरा को नहीं, और हनुमान मन भरत के समान बहुत ही प्रिय है। तो हनुमान जी पर कोई भजन वह संतोष जी ठीक है तो सुनाओ सर। हाँ सर बिल्कुल। Hey.
पूरा भजन गायो आप संतोष जी, गायत्री जी और निरुपमा जी, बहुत बढ़िया भजन सुना रहे हो आप। और राम की चर्चा चल रही है, बिल्कुल सही, हनुमान जी का बगैर तो राम जी अधूरा है। अंशु जी आप बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं, तो राम जी की कौन सी बात है देखो आपने जिंदगी में उतारनी है, थोड़ा विस्तार बताओ। राम जी आपा, राम जी की आदर्श ने अपनी जिंदगी में उतार सका हाँ। आदर्श जया राम जी अपना माता पिता की अपनी पिताजी का वचन का ताई वो राजपाट ने त्याग कर और वनवास चलेगा, 14 वर्ष वो वनवास में रहा, तो हम वह अपना जीवन में यह भी उतार सका अपना माता पिता की आज्ञा रो पालन क्या करा जावे और अच्छाई पे। वो राम जी गया तब वो रावण ने मारा, बुराई को अंत करया, माता सीता ने लेर आया और सबको जो भी बने 12 वर्ष के अंदर जो भी जीव जंतु पक्षी पशु जो भी मिलिया वाने सबने प्रेम प्यार से रहा, तो वहां की जो प्रेम प्यार और आपसी सद्भाव था उसको मैं अपना जीवन में उतार सका कि आपा ने सबसे मेल जोल कर चालनो है, आपा ने सबसे प्यार से बात करनी है, आपने अपने जीवन में आदर्श जीवन बनाना है। आज हर माँ हर परिवार की माँ यही चाहे है कि मारो बेटो राम जशो हो, तो आपा राम जी का जो विचार है माने जीवन में उतारांगा जदी, तो आपने राम आपा उतारांगा जदी आपने बच्चा ने देवांगा और बच्चा ने देवांगा जदी तो वो राम जशा बनेगा क्योंकि वहां का संस्कार पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो राम जियान का ही बेटा होना चाहे जे, राम जी से ही पिता होना चाहे जे, राम जी से ही भाई होना चाहे जे, राम जी से पति होना चाहे जे, राम जी से राजा होना चाहे जे, हाँ जखा जाने आपा अपने जिंदगी में उतार सका हाँ। यदि तुलसीदास जी कियो कि राम मणि राम दीप मणि जो हूँ जी है देहरी द्वार, राम दीप मणि जो हूँ जी है देहरी द्वार, तुलसीदास अंदर बाहरू जो चाह सी उजियार। तो आपके सबके जिंदगी में उजाड़ो लावे राम जी को नाम और आपके सबकी जिंदगियां बिल्कुल सफल रहे, आनंद में रहे, आपके जीवन में मंगल वे, ई कामना के साथ राम 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 राम।